जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एंड वाई ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना स्टूडेंट यहाँ पे, अब ये स्टार्टिंग में यहाँ पे ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है और ये नॉर्थ और ये साउथ, ये डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ होता है। सो क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट ये क्या दिया है, इसी पे बेस्ड है यहाँ पे ये। और हाँ ये भी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ जो है हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वेक्टर का। सो इजी मतलब यहाँ पे तरीका है मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, अगर हमें कोई वेक्टर दिया है, अगर कोई वेक्टर हमें दिया है जैसे कि समझ लो अगर हमें वेक्टर है ए बार इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस प्लस यहाँ पे थ्री के कैप है, ठीक है। ए बार के लिए क्या है, टू है थ्री है और थ्री है। अगर मैग्नीट्यूड में लिखना होगा स्टूडेंट इसको तो क्या करना है, डिटरमिनेंट टाइप में मतलब ऐसे लिखना है, फिर इसके बाद में मैग्नीट्यूड और यहाँ पे क्या ए बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। अगर स्टूडेंट कैलकुलेट करना होगा ना तो हम क्या करेंगे ना, अंडर रूट में लिखना है पहले, अंडर रूट में लिखने के बाद में जो आई और जे और के का जो टर्म्स है यहाँ पे उन सबको स्क्वायर कर देना है। तो पहले टू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा थ्री का स्क्वायर और फिर लास्ट में भी थ्री का स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, अंडर रूट में आई का कोएफिशिएंट को स्क्वायर करना है प्लस जे का कोएफिशिएंट को स्क्वायर करना है, फिर के के टर्म्स को जो कोएफिशिएंट होगा वो स्क्वायर करना है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये फोर हो जाएगा, ये नाइन और ये भी नाइन, तो नाइन प्लस नाइन कितना हो जाएगा एटीन और एटीन प्लस फोर कितना होगा ट्वेंटी टू। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी टू। सो ये जो एक्सिस पे मैंने बताया यहाँ पे डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे कोई वेक्टर दिया है तो उसका आई का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट अगर अंडर रूट में लिख के स्क्वायर कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है, उसका लेंथ मिल जाता है हमें स्टूडेंट। सो अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, अब नॉर्थ साइड में है। हाँ ये एक मिनट, अच्छा ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अच्छा अगर नॉर्थ साइड देखोगे तो ये वाई एक्सिस का जो अपवर्ड साइड है वो आ रहा है नॉर्थ के लिए, ये डायरेक्शन में है। तो ए बार का जो मतलब लेंथ है वो कितना है 24 है, सो नॉर्थ में ए बार जा रहा है मतलब ये साइड ऐसा, यहाँ पे मतलब कौन है ये ए बार है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है 24 है, मैग्नेट्यूड दिया है पहले से ही मतलब लेंथ दिया है। सो समझ लो ए बार यहां तक है, ठीक है। अब क्या बोला है, द वेक्टर ए बार, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू क्या दिया है 24 दिया है, सो मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू 24। अच्छा द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू यहाँ पे वेस्ट बोला है, अच्छा वेस्ट के लिए कौन सा मतलब एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस का ये साइड और इसका जो डिस्टेंस है वो 7 है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू 7। ये जो था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, ये कौन से डायरेक्शन में था नॉर्थ, और ये कौन से वेस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पूछा है कि कैलकुलेट करो फाइंड क्या बोला है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार बोला है,
ए बार प्लस बी बार का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। सो हम अगर इसको कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला, अगर दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप लोग देखोगे ये ओरिजिन ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया यहाँ पे ए ओ बी। अच्छा अगर ये देख रहे हो परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री हो गया ये। अब ये बताओ आप लोग, अगर ये मॉड ऑफ ए बार है और ये मॉड ऑफ क्या है बी बार है, मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, तो ये जो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये क्या होगा मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। क्योंकि बाय, अब देखो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है मॉड ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मॉड बी है, तो इन दोनों को मिला के जो थर्ड वाला साइड होगा वो मिलता है मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, अलग अलग लिखो या एक ही साथ लिख दो। तो अच्छा अब हमें ये जो डिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा ए बार ए और बी का, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू 24, मॉड ऑफ बी बार इक्वल्स टू 7, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग देखोगे तो जो हाइपोटेनियस है वो कौन है ए बी है, वो कौन है ए बी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स ना, तो ये क्या हो जाएगा एक साइड ए बार है और एक साइड बी बार है, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। अच्छा मॉड ए बार का स्क्वायर, ए बार कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर, बी बार कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का 49, प्लस कर दो दोनों को तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 और 6, 625। अच्छा ए बी बार मतलब कौन, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, तो देयरफॉर तो हमें ए बी बार चाहिए, तो ए बी बार का स्क्वायर जो है वो इतना आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 25। अब देयरफॉर ए बी बार मतलब क्या, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू 25। कुछ डाउट है क्या इसमें, देख लीजिए। ग्रेट, सो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें ए बार का जो डायरेक्शन था वो नॉर्थ साइड में था 24 यूनिट के लिए, और बी बार के लिए जो वेस्ट साइड में था वो 7 यूनिट था, और ये कैलकुलेट करना था, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने थर्ड साइड का जो वैल्यू था वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला समझो है, एक मिनट देना मुझे। हाँ नेक्स्ट सम जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही है, तो वो आप लोग ट्राई करना सेकंड वाला सम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट यहां पे ये दिया है ना, ओ ए ओ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागोन ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजिशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली रिफर्ड टू दी ओरिजिन
रिफर टू दी ओरिजिन ओ फाइंड इन टर्म्स ऑफ a bar and b bar the position vector of position vectors of c bar d bar and e bar. तो सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए इसमें क्या दिया है. सो स्टूडेंट यहाँ पे ओ ए बी सी डी ई ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है. अच्छा अब क्या बोला है, द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजिशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली रिफर्ड टू द ओरिजिन. इसका मतलब क्या है ना स्टूडेंट, ए का पोजिशन वेक्टर ओरिजिन से ए बार है, रिफर टू यहां पे क्या बोला है, रिफर टू ओरिजिन ओ. इसका मतलब ओरिजिन से लेके ए तक का जो है पोजिशन वेक्टर वो क्या है, ए बार है. रिपीट करता हूं, देखो पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर कहां से, ओरिजिन से, मतलब ये कैसा हो जाएगा बताता हूं एक मिनट. ए का पोजिशन वेक्टर ए बार है और बी का पोजिशन वेक्टर क्या है, बी बार है. तो हमें ए और बी बार के टर्म्स में पोजिशन वेक्टर निकालना है सी बार का, डी बार का और किसका, ई बार का, कहां से, ओरिजिन से. सो पहले हम लोग ना एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना ये सब इजी है काफी, ठीक है. ये एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, तो इसमें देखोगे पहले ओ है, फिर ए है, फिर बी है, सी डी ई है, तो कहीं पे भी ओ कंसीडर करते हैं हम लोग. सो फर्स्ट पॉइंट ये ओ हो गया, ये ए हो गया, यहां पे बी सी और ये डी और ये ई, ठीक है. अच्छा ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से क्या है, ए बार है. सो ओ से ए का जो पोजीशन वेक्टर था वो ए बार है, फ्रॉम ओरिजिन बोला, रिफर्ड फ्रॉम ओरिजिन, तो ओ से ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बार है. अच्छा ओ से बी का क्या है, बी बार है, ओ से बी क्या है, बी बार है, ठीक है. ओ से एक मिनट, ओ से बी जो है वो क्या है, बी बार है. तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, यहाँ पे सी डी और ई का जो है वो पोजीशन वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बार और बी बार. तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, ओ से ए बार का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बार है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन क्या है, ए बार. तो ओ से ए का जो डिस्टेंस है मतलब वो क्या है, ए बार है पोजीशन वेक्टर. ओ से बी तक का क्या है, बी बार है. हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सी बार के लिए ओ सी बार कैलकुलेट करना है, ओ डी बार कैलकुलेट करना है और ओ ई बार कैलकुलेट करना है. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पूछा है ना, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करो किसका, सी बार का, डी बार का और ई बार का, कहां से, ओरिजिन से. तो सी बार ओरिजिन से क्या हो जाएगा, ओ सी बार, डी बार ओरिजिन से क्या हो जाएगा, ओ डी बार और ई बार के लिए क्या होगा, ओ ई बार हो जाएगा. तो पहले ये देखो ओ सी बार है, ये क्या है, ओ सी बार है. तो हम लोग एक काम करते हैं ओ सी बार के लिए, ओ और सी को ज्वाइन करो, ओ और सी को हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोग अगर ये देखोगे इसमें ओ सी बार किसके पैरेलल है बताओ, ओ सी बार किसके पैरेलल है ये आप लोग बताओ, ए बी बार के बराबर. देखो ये जो ओ सी बार है ना वो ए के पैरेलल नहीं है, ओ सी जो बार है ना ये पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है. अच्छा ये ए बी बार के पैरेलल है और हमें ए बी बार ही क्यों कंसीडर किया है, ईडी क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि सी बार डी बार ई बार को इन टर्म्स ऑफ
ए बार और बी बार लिखना है, सी बार डी बार ई बार को इन टर्म्स ऑफ ए बार बी बार लिखना है, इसलिए हम लोग ये जो वेक्टर है उसको हमने पैरेलल इसके कंसीडर किया, ठीक है। हाँ, उसके बाद में जो ओसी बार है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज कर सकते हो, आप लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे जो ओसी बार के लिए, अच्छा देख रहे हो ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट है, तो ए बी का जितना भी लेंथ होगा, ये हमेशा याद रखना रेगुलर हेक्सागन के लिए, अगर जो वेक्टर्स मतलब पैरेलल होंगे, मतलब यहाँ पे कैसे ये देखो इसका जो लेंथ है वो ए बी से ज्यादा होता है, बट वो हमेशा याद रखना टू टाइम्स होता है, ये हमेशा याद रखना ये टू टाइम्स होता है ओसी का लेंथ। तो हियर यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे ओसी बार जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी बार के, तो देयरफॉर ओसी बार जो है वो क्या है, टू टाइम्स है किसका, ए बी बार का, तो टू टाइम्स, क्योंकि देखो ये ए बी बार इतना ही है और ये पूरा है यहाँ पे। सो ये जो मतलब हमेशा याद रखना ये जो पार्ट होता है वो क्या है, टू टाइम्स होगा किसका, जो पैरेलल वेक्टर होता है। अच्छा ए बी बार का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, ए बी बार का मतलब क्या है, इसको हम लोग सेकेंड माइनस फर्स्ट लिख सकते हैं, मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, तो टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे बी है और हाँ बराबर, तो ये क्या हो जाएगा बी बार माइनस ए बार, इसका मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो टू बी माइनस क्या होगा टू ए। देखो सी बार हमें इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार मिल गया, टू बी बार माइनस क्या आएगा टू ए बार, वो सी बार तो हमने स्टूडेंट कैलकुलेट कर लिया। आप क्या निकालेंगे, ओ डी बार, ओ डी बार, अच्छा ओ डी बार देख लो ये है ओ डी बार, ये है, तो हम ओ डी बार को भी ज्वाइन करते हैं। अब ओ डी बार है ना स्टूडेंट यहाँ पे, ये किसी के पैरेलल नहीं है, ये किसी के पैरेलल नहीं है, अगर आप देखोगे ओ सी और डी ये एक ट्राइंगल बना रहा है, हमें किसका लेंथ चाहिए, ओ डी का लेंथ चाहिए। सो यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट देख लो ये डायग्राम, ओ डी का हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, तो ओ डी का लेंथ चाहिए, तो इन ट्राइंगल ओ सी डी में, कहां पे ओ सी डी में, सो यहां पे हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ सी डी बाय ट्राइंगल ऑफ बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो OD का लेंथ होगा ना वो क्या हो जाएगा, OC बार प्लस CD बार, OC बार प्लस CD बार इक्वल्स टू क्या आएगा, OD बार। मैंने ये आप लोगों को बताया भी था स्टार्टिंग में एकदम रेगुलर एग्जाम के लिए, देखो अगर ये साइड OC वाला साइड और CD वाला साइड प्लस करोगे तो थर्ड वाला साइड मिलेगा। So, मैं यहाँ पे लिखता हूं, कुछ डाउट है तो पूछिए आप लोग, ओसी बार प्लस सी डी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी बार। अच्छा हमें इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना था, ए बार और बी बार लिखना था, तो स्टूडेंट हमने ना ओसी बार का जो लेंथ है वो पहले वाले टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया था, ये ओसी बार का लेंथ देखो क्या है, ओसी बार का वैल्यू क्या है, टू बी माइनस टू ए है, तो ओ सी बार इक्वल्स टू टू बी माइनस टू ए। अब रही बात सी डी बार कैलकुलेट करने के लिए, तो ध्यान से देखना इसमें, अच्छा ये बताओ इसमें सी से लेके डी है ना, ये सी से लेके डी तक है, अच्छा ये सी डी किसके पैरेलल है बताओ, सी डी किसके पैरेलल है, ओ ए के पैरेलल है, बराबर करेक्ट है, तो सी डी जो है वो ओ ए के पैरेलल है। अच्छा देखो हमेशा याद रखना ना जो नाम हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब नेमिंग जो हम लोग मतलब जहां से हम लोग स्टार्ट करते बोलना वैसे ही फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पे मैं सी डी बोल रहा हूँ, ठीक है सी और डी है ना, तो यहाँ पे मैं ओ ए बोल रहा हूँ, उसका भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
अगर इसको सी और डी बोल रहे हो तो इसको ए और ओ बोलना चाहिए, बट इस ये जो गिवन है पैरेलल है उसमें कैसा ओ से ए तक है, ए से ओ तक नहीं है। रिपीट कर रहा हूं मैं, मतलब अगर आप लोग ऐसे दो लाइन दिया है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक ए और बी है और यहाँ पे एक सी और डी है, तो ए टू बी तो क्या बोलोगे इसको, ए बी बार। अब डी टू सी अगर ऐसे डायरेक्शन दिया है तो उसको मतलब पैरेलल है, फिर भी नेमिंग यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हो ए टू बी तो इसको भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा सी टू डी, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही। अगर आप सी टू डी कर रहे हो तो यहाँ पे ए टू ओ करना पड़ेगा, तो हम लोग ओ टू ए पढ़ रहे हैं ना, तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दो। और हमेशा याद रखना जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर आता है, आप लोगों को पता होगा मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ाया था। अगर समझ लो ये ए बार है और इसका डायरेक्शन ऐसे है, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये माइनस ऑफ ए बार हो जाएगा, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस ए बार को क्या लिखोगे माइनस ए बार। तो हम लोग को सी डी नहीं चाहिए, डी सी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सी डी बार की जगह पे डी सी बार लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ओ ए लिखना है। अच्छा ये सी डी बार की जगह डी सी बार आ जाएगा तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे टू बी बार माइनस टू ए बार, डी सी बार किसके इक्वल था ओ ए के, यहाँ पे रीजन लिखना, जो डी सी बार है वो किसके इक्वल है ओ ए के इक्वल है, तो देयर फोर टू बी बार माइनस टू ए बार। अच्छा ओ ए का लेंथ कितना था, ए बार था, तो माइनस ऑफ ए बार, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस थ्री ए प्लस टू बी। देख लो एक बार, कुछ डाउट है क्या, हमने ओ सी डी में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया तो उसको हम लिख सकते हैं ओ सी बार प्लस सी डी बार, ओ सी का लेंथ पहले से मिला था टू बी माइनस टू ए, सी डी नहीं चाहिए हमें डी सी चाहिए, तो साइन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया। और डीसी किसके इक्वल था ओ ए के, तो डीसी की जगह पे ओ ए लिखा, ओ ए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ए बार बी बार के टर्म्स में लिखना है और ओ ए का लेंथ कितना था ए था, तो ये देखो ए बार और बी बार के टर्म्स में आ गया। सेम वैसे ही अब ओ ई बार निकालना है, क्या निकालना है ओ ई बार। अब ओ ई बार के लिए देखोगे ये पॉइंट, मतलब ये हमें इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। अच्छा ये ओ और डी और ई वापस इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करो, ओ में डी में और ई में, तो यहां पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ डी ई, तो ओ डी प्लस डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ ई हो जाएगा। अच्छा ओडी का लेंथ तो हमने पहले से ही पता किया, ओडी बार इक्वल्स टू क्या था माइनस थ्री ए प्लस टू बी, सो स्टूडेंट हम लोग ओडी बार का लेंथ यहाँ पे लिखते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर थ्री ए बार प्लस टू बी बार प्लस डी ई बार है, क्या है डी ई बार है। अच्छा तो ये बताओ डी ई बार किसके पैरेलल है, डी ई बार किसके पैरेलल है, ये नहीं समझा आप लोगों को, डी ई बार ये जो डी ई बार है ना वो किसके पैरेलल है ए बी के, करेक्ट है। अच्छा तो आप लोग देख रहे हो इसका जो मैं मतलब डी ई बार जो बोल रहा हूं मैं डी ई बार वो मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे डाउन साइड से अपवर्ड साइड जा रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे अपवर्ड से डाउनवर्ड साइड जा रहा हूँ, तो इसमें भी हमें क्या चाहिए कि मतलब अगर ये ए बी पढ़ रहे हो तो इसको ई डी पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें भी डायरेक्शन चेंज करो, तो डी ई बार को क्या लिखोगे माइनस ऑफ ई डी बार। अच्छा वो उसके इक्वल था रेगुलर एग्जाम आने तो उसका लेंथ भी इक्वल होगा, तो माइनस ऑफ थ्री ए बार प्लस टू बी बार माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा ए बार ए बी बार, क्योंकि जो ईडी का लेंथ होगा वही किसका होगा ए बी का होगा, ठीक है। अच्छा ए बी बार मतलब क्या है, ए बी बार का मतलब क्या है बी बार माइनस ए बार, ए बी बार का मतलब क्या है बी बार माइनस ए बार, क्योंकि देखो ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, तो जब दो कैपिटल अल्फाबेट्स में वेक्टर दिए रहेंगे
टर्मिनल माइनस इनिशियल लिख सकते हो. सो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए बार प्लस टू बी बार माइनस, इसको क्या लिखोगे, बी बार माइनस ए बार. तो माइनस थ्री ए बार प्लस टू बी बार, ब्रैकेट ओपन कर दो स्टूडेंट यहाँ पे, तो माइनस बी बार हो जाएगा और प्लस ए बार हो जाएगा. तो माइनस थ्री ए और प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस टू बी बार, टू ए बार सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी बार. कुछ डाउट है क्या इसमें, हमें सबको ए बार और बी बार के टर्म्स में ओ सी बार. हाँ तो ये देखो जो डीई है ना, ये पैरेलल टू ओ सी है, बराबर है, करेक्ट है, बट कैसे इसका जो लेंथ है वो डबल होगा, किसका, डीई का. तो हमें जब ये इतना सिंगल पार्ट दिया है और हमें ओसी के टर्म्स में नहीं लिखना है, एबी के टर्म्स में लिखना है. अब ये ओसी डबल हो जाएगा, ईडी जितना है उतना ही एबी होगा, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों का लेंथ जो है मतलब इक्वल होगा. सो हमने ईडी की जगह पे एबी लिया है क्योंकि हमको ए और बी के टर्म्स में लिखना है ना. देख लो कुछ डाउट है क्या. शुभम डायग्राम क्या है, हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है. तो हेक्सागोन के लिए सिक्स वर्टाइसेस होंगे, तो ओ हो गया, ए बी सी डी और ई आ गया. ओ ए का पोजीशन वेक्टर देखोगे, द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए बार एंड बी बार. तो ओ ए के लिए ए बार है और ओ बी के लिए क्या है, बी बार है. रिपीट कर रहा हूं मैं, ए ओ ए बी सी डी ई है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, ओ बी का बी बार. अच्छा अब हमें ओ सी का निकालना है, तो ओ सी का निकालना है मतलब ओ और सी को ज्वाइन करेंगे, तो मैंने ओ और सी को ज्वाइन किया. अब ओ सी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, टू टाइम्स किसका, जो पैरेलल वेक्टर है. तो ओ सी का जो लेंथ है वो क्या है, टू टाइम्स ऑफ ए बी है. ए बी मतलब क्या, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार हो गया, ठीक है. तो ओ सी बार उससे हमें मिल गया. अब डी बार के लिए क्या, ओ डी बार के लिए क्या, ओ और डी को ज्वाइन करो, ओ और डी को, और इसमें क्या करोगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लोगे. ओ डी बार किसके इक्वल होगा, ओ सी प्लस सी डी के इक्वल हो जाएगा, और फिर ओ ई के लिए ओ डी प्लस डी ई हो जाएगा. अभी भी नहीं समझा शुभम, पैरेलल कौन किसके है वो नहीं समझा. देख यहाँ पे ओसी जो है वो डीई के पैरेलल है और एबी के भी पैरेलल है. पैरेलल का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और इसके बाद में पैरेलल, तो देख के समझ में आता है ना वैसे तो. अब देख ये जो सीबी है, सीबी है, अब एक अगर हम रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसके सब साइड का वैल्यू इक्वल होता है, मतलब सब साइड का लेंथ इक्वल होता है. अब देख जैसे ये हो गया, तो पैरेलल कौन है, ये साइड फर्स्ट साइड है, यहाँ पे ये भी समझ लो फर्स्ट हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. अब यहाँ पे ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. अभी भी नहीं समझा, देखिए यहाँ पे ये ऐसे जा रहे हैं, और फिर इसके बाद में अगर ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किए, एक मिनट, ऐसे अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो है इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, क्योंकि सीधी बात है ना, जब ये दोनों पैरेलल है तो अगर ये किसी एक के पैरेलल है तो दोनों के पैरेलल हो जाएगा, समझाइए. अच्छा इसमें डाउट है क्या कुछ आप लोगों को, की रिपीट कराइए मैम. कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर स्टार्ट कर, मतलब ठीक है. तो नेक्स्ट सम जो है स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्थ वाला भी ऐसे हेक्सागन पे ही बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर फोर, इफ इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, इज अ रेगुलर हेक्सागन
अच्छा इसके बाद क्या दिया है, द पॉइंट्स, सॉरी, शो दैट ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार इक्वल्स टू 6AO बार। अच्छा और क्वेश्चन में ये बोला है ना, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ हेक्सागन। सेंटर ऑफ हेक्सागन क्वेश्चन रीड करो। देखो इसमें क्या दिया है ना, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है। तो पहले मैं फर्स्ट पॉइंट जो रीड किया उसे मैं डायग्राम बना लेता हूं। ए बी सी डी ई एफ ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखता हूं ए बी सी डी और ये ई है और ये कौन है, एफ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये एक रेगुलर हेक्सागन हो गया। अच्छा शो दैट क्या बोला है, ये जो साइड है ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार ये किसके इक्वल है, 6 टाइम्स है, किसका, ए ओ बार का। वेर ओ क्या है, ओ कहां पे, देखो ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन है। अच्छा कहीं सेंटर पे, एक मिनट, हाँ जो ओ है ना यहाँ पे स्टूडेंट वो क्या है, सेंटर है किसका, हेक्सागन का। तो कहीं बीच में हम लोग यहाँ पे ओरिजिन बना लेते हैं, मतलब सेंटर है ये ओ। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है ना हमें, देखो ओ और ए को ज्वाइन करना है, सबका सेंटर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबको ज्वाइन कर देते हैं। अगर ए और ओ को ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बी ओ को ज्वाइन करो, सबका सेंटर है ना, तो पोजिशन वेक्टर के लिए ओरिजिन है ये, और ओ सी के लिए ये ऐसे हो जाएगा, फिर ओ डी के लिए, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, और फिर ई ओ के लिए और ओ एफ के लिए। देखो डायग्राम समझ में आना चाहिए आप लोगों को, पहले क्या दिया था, रेगुलर हेक्सागन दिया था, शो दैट क्या बोला है, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ बार। ओ क्या है, सेंटर ऑफ हेक्सागन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा सेंटर है क्या है, ओरिजिन ओ है, तो ओ ए के लिए, ओ से ए के लिए हम लोग ए बार कंसीडर करते हैं, ओ से बी के लिए हम लोग बी बार कंसीडर करते हैं, ओ सी सी के लिए सी बार और ये डी बार और ये ई बार और ये एफ बार। कुछ डायग्राम में डाउट है क्या, ओरिजिन से ए के लिए ए बार, ओरिजिन से बी के लिए बी बार, ओरिजिन से सी के लिए सी बार, ओरिजिन से डी के लिए डी बार, वैसे ई और वैसे एफ। डायग्राम में कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछो। नहीं सर, समझ गया। तो अब देखो आगे कैसा हो जाएगा ना, यहाँ पे जो इसका लेफ्ट साइड का पार्ट था, लेफ्ट साइड कौन, ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ, इसमें भी हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या दिया है, ए बी बार, सॉरी ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार।
सो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे ना, जो ना सबसे नजदीक वाले मतलब सबसे नियर बाय वाले साइड होंगे ना उनको साथ में रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है, जो साइड सबसे नियर बाय होते हैं उनको साथ रखना। अब जैसे ए बी और ए सी को देखो, ए बी और ए सी देखो ये दोनों साथ में ही है, ए बी और ए सी। अगर ए और सी से लाइन ज्वाइन करोगे, ए बी और ए सी, अगर ए और सी से ऐसे लाइन ज्वाइन करोगे तो देख रहे हो ए बी और ए सी साइड में ही है। अच्छा उसके बाद में ए और डी देखो, ए और डी, ए और डी ये टोटल जो मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और ए ई। अच्छा ओरिजिन क्या होगा बताओ आप लोग, अब कैसा हो जाता है ना, ये ओ ए ये एक पार्ट हो गया और ओ डी एक बार, ये ओ जो है ना सेंटर ऑफ दी मतलब क्या है हेक्सागन है। अब ओ ए जो होगा और ओ डी होगा, ओ जो है मिड पॉइंट है याद रखना हमेशा, ओ क्या है मिड पॉइंट है। तो ये दोनों का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका भी होगा। सर की नहीं होगी? हाँ सर। हाँ सर इसका टाइम खत्म होने आ गया सर, दूसरा लिंक भेजा। अच्छा ओके सर। हाँ सर हाँ।